स्नेह निमंत्रण आजादी बचाओ न्यूज नेटवर्क के वर्धापन दिन के अवसर पर आप सभी दर्शकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें गीत, कव्वाली, गजल और मुशायरे की महफिल रखी गई है। आने वाले रविवार 18 सितंबर 2022 की शाम 6 बजे हुतात्मा स्मृति मंदिर पार्क चौक सोलापुर, एक शाम आजादी बचाओ के नाम। आजादी बचाओ साप्ताहिक न्यूज पेपर और आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल, इनका 18 तारीख को वर्धापन दिवस है। इस मौके पर टास सोशल ग्रुप की जानिब से और एक नगर सेवक होने के नाते उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और वीकली पेपर चालू होकर आज 18 साल हुआ और न्यूज़ चैनल चालू होकर आज 2 साल हुआ, तो इस न्यूज़ चैनल के अंदर जो आवाम की, जो पब्लिक की हक का, सच्चाई का सलीम भाई, हाजी पटेल साहब, अफजल बैठते, उनकी पूरी टीम जो अच्छा काम करते हैं, ये सोलापुर शहर में ऐसा कौन सा चैनल नहीं है। तो गरीबों को न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना और सोलापुर शहर में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अवैध धंधे चल रहे हैं, इनके खिलाफ भी निडर होकर जो एक पत्रकारिता का कर्तव्य है, जो फर्ज है, वो हमारे सलीम भाई उनकी पूरी टीम निभा रही है। ये भी तारीफ काबिल की बात है, क्योंकि आप पूरे सोलापुर शहर जिले को, महाराष्ट्र को मालूम है कि अवैध धंधे, दो नंबर धंधे कौन करते हैं, किसके पीछे किसका हाथ होता है, किसके पीछे गुंडों की ताकत होती है, या किसी का सहारा, राजकीय रंधे, दूसरा कुछ भी रंधे, जो ऐसा इनके पीछे पार्ट बड़ होते हुए भी जो हमारे सलीम भाई नायकवाड़ी जो है और उनकी जो पूरी टीम है, वो निडर होकर सच्चाई के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, जो आवाम, जो गरीब लोग का जो हक है, जो अनाज को, जिस तरह सलीम भाई ने कल ही सोलापुर जिलाधिकारी को निवेदन दिया है, निवेदन के माध्यम से उन्होंने आह्वान किया है कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री साहब को, राज्यपाल को, कि गरीब जनता का जो अनाज कुछ लोग दो नंबर धंधा कर कर वो बेच रहे हैं, खा रहे हैं, तो ऐसे गरीबों को इंसाफ मिलना, उनका हक मिलना, उन्हें न्याय मिलना, बल्कि जो उनकी टीम पूरी काम कर रही है वो भी एक तारीफ काबिल है। ऐसा वो शख्स कर सकता है जिसके दिलो दिमाग में खौफ है, खुदा है, सच्चाई पर, हक पर चलने वाले जो इंसान है, जो उनकी पूरी पूरी जो उनकी टीम है, मैं उनकी टीम को भी एक बार मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह हमारे लायक जो भी काम करेगा, मैं संदीप भाई उनकी पूरी टीम के साथ हूँ। और फिर से एक बार मैं जो आज़ादी बचाओ वीकली पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो, इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और फ्यूचर में, भविष्य में इन्हों ऐसे ही अच्छे काम करना, सामाजिक उपयोग काम करना, खिदमत खल करना और गरीबों को, आवाम को न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना, मैं इससे उनसे उम्मीद करता हूँ। और मेरा छोटा सा शुभेच्छा जो खत्म करता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।